हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूमंत्रा। मैं हूं आपके साथ मोहित पवार एक नए वीडियो के साथ, और आज का हमारा टॉपिक है कि दिमाग की बकबक कैसे शांत की जाए, जो दिमाग में फालतू के विचार चलते रहते हैं उनको कैसे रोका जाए, उनको लगाम कैसे दी जाए। देखिए, जिन विचारों को बंद करना है उनकी अच्छी पहचान होनी चाहिए। हर एक सोच बकबक नहीं होती, फिर कौन सी सोच ऐसी होती है जिसे बकबक कहा जाए? जो आपने पिछले आधे घंटे में सोचा, अगर उसे एक कागज पे लिख दिया जाए तो किसी के लिए भी ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि ये विचार है या बकबक। अगर वह बकबक होगी तो उसे पढ़ते हुए आपको खुद पर बहुत हंसी आएगी। उस सोच का कोई भी तुक नहीं बनेगा। जैसे कि बारिश को देखकर सोच शुरू हुई, आज तो काफी देर से बारिश हो रही है, पकौड़े खाने का मन कर रहा है, उसके साथ अगर गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा ही आ जाए। बारिश बंद होगी तो बाहर चलता हूँ। कॉलेज के भी क्या दिन थे, वो आंटी क्या बढ़िया चाय पकौड़े देती थी, मजा आ जाता था। और फिर जब पैसे देने की बारी आती थी तो झगड़ा होता था। रोहन तो बहुत कंजूस था, हर बार उसका कोई ना कोई बहाना, या तो ज़्यादातर पैसे मैं देता था या फिर रितु। और रितु को भी देखो, शादी करके फौरन में सेट हो गई, लेकिन उसने पति सही नहीं ढूंढा है, मोटा सा, बस वो अच्छी जगह लगा हुआ है और खूब कमाई कर रहा है। लेकिन वह भी दुखी रहती है, वह उससे अच्छे से व्यवहार नहीं करता, तलाक लेने की सोच रही है। रोहन का अच्छा है कनाडा निकल गया, वैसे मुझे भी निकल जाना चाहिए था, लेकिन कई बार लगता है कि सब देश छोड़ के निकल जाएंगे तो देश का क्या होगा। फिर सोचता हूँ कि यहाँ ईमानदारी की कोई कीमत ही नहीं है, मैं अकेला भी क्या कर दूंगा। लेकिन वैसे कनाडा में अपनी अलग दिक्कतें हैं, इतनी तो ठंड है वहाँ पर, और मेरा तो शायद मन भी ना लगे। मम्मी पापा भी नहीं चाहेंगे कि मैं कनाडा जाऊं। पूजा भी यही कहती है, उसे तो दिल्ली ही पसंद है। दो दिन से बात ही नहीं हो पाई है पूजा से, प्रोजेक्ट में जबरदस्त उलझी हुई है। इन प्राइवेट कंपनी का तो बस यही चलता रहता है, डेडलाइन, टारगेट, इंसेंटिव, कितना प्रेशर बना देते हैं। सही किया मैंने प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, वो भी भला कोई जिंदगी थी, दिन रात केवल काम काम काम। अब अपना कहीं अवसर लग जाएंगे तो सही हो जाएगा, पूजा से शादी होना भी आसान हो जाएगा। वैसे पूजा मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसे करनी चाहिए तैयारी UPSC की, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है। इतनी बार कह चुका हूँ कि मुझसे ज़्यादा चांस तो तेरे हैं, लेकिन अब इन्होंने CTET का गलत पंगा फंसा लिया, अब इसमें और टाइम लगेगा, अब मन दो जगह डाइवर्ट हो जाएगा उसका। और इस तरह से दिमाग की बकबक चलती रहती है। बंदर की तरह इस उछलते हुए दिमाग को मंकी माइंड भी कहा जाता है। यह चिंतन नहीं है, किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सचेत चिंतन नहीं है। व्यक्ति सोच नहीं रहा, बल्कि सोच अपने आप चल रही है। अगर उससे पूछा जाए कि क्या सोच रहे हो, शायद वह उसका उत्तर ना दे पाए, और उसे ध्यान ही ना आए कि वो पिछले 40 मिनट से अपने दिमाग में किन किन विषयों पर घूमता रहा, कभी भूतकाल में तो कभी भविष्य में। देखिए, जो बकबक होती है उसमें दिशा नहीं होती, इसमें आपकी सोच बिल्कुल दिशाहीन होती है, और इसमें बीच बीच में दिमाग में ईर्ष्या भी आ जाती है, जैसे और पता ही नहीं चला, हाय फलाना दोस्तों अफसर बन गया और मैं रह गया। 20 मिनट तक यह सोचकर अपना खून जलाते रहे, हाय उस सहपाठी ने मेरा कैसा मजाक उड़ा दिया था आज, कल उसको सबक सिखाता हूँ। इस तरह गुस्से में चिंता, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, सब कुछ खुद से मन में आता रहा। किसी तरह का कोई फिल्टर ही नहीं है, क्योंकि सचेत चिंतन नहीं है। दोस्तों, अगर इस मन की बकबक से बचना है तो उसके कुछ समाधान हैं, वो बता देता हूँ। देखिए, समस्या को सही से समझ लिया तो समाधान भी दूर नहीं। पहला समाधान है कि सीधी सी बात है कि दिमाग को बकबक का मौका ही ना दिया जाए, यानी कि सचेत रहा जाए। जब हम दिमाग को फ्री छोड़ देते हैं तो यह सोच अपने आप चलने लगती है, और कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है ये तो मैंने एक कहानी के माध्यम से आपको बता ही दिया। पढ़िए, काम कीजिए, फिल्म देखिए, संगीत सुनिए, कसरत कीजिए, खेलिए, लेकिन किसी समय अगर बिल्कुल खाली बैठे हैं तो सचेत चिंतन कीजिए, यानी कि अपनी सोच को डायरेक्शन दीजिए। जैसे कि आप भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं, अपने पास्ट को याद कर सकते हैं, राजनीति के बारे में सोच सकते हैं, अपने या किसी दोस्त की जिंदगी की किसी समस्या का समाधान सोच सकते हैं, किसी से फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे करके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं,
देखिए, अगर आप बोल बोल कर सोचेंगे तो सोच के घोड़े की लगाम आपके हाथों में रहेगी। सोच में दिशा होगी और सोच को ईर्ष्या, द्वेष, चिंता इनके कीचड़ में जाने से रोक सकते हैं। इसलिए अपनी सोच में तर्क और संवेदना को बनाए रखना जरूरी है। यह विचार डायरी में लिखते हुए भी कर सकते हैं और इस तरह का विचार कभी भी झुंझलाहट पैदा नहीं करता। अगला समाधान है, ऐसा नहीं है कि व्यक्ति का दिमाग केवल खाली होने पर ही बकबक करता है। कई बार कुछ काम करते हुए भी बकबक चलती रहती है दिमाग में। इसके लिए ध्यान लगाना सीखा जाए। हर काम में ध्यान लगाने का अभ्यास करते हुए, पढ़ाई हो, नौकरी हो या काम हो, अगर उसे पूरे ध्यान से करेंगे तो उसके साथ किसी और सोच का आना संभव ही नहीं है। यह ध्यान लगाना ही अपने प्रेजेंट में रहना होता है। अगर आप फिल्म देख रहे हैं तो एक जगह टिक कर फिल्म देखना सीखिए। अगर कुछ मनोरंजन चल रहा है तो उसमें पूरा ध्यान दीजिए। यह नहीं कि कभी पॉपकॉर्न, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी फ़ोन पर मैसेज चेक करना, कभी किसी से बातें करना। फिल्म देख रहे हो तो सब कुछ छोड़कर बस फिल्म देखिए। इंसान गाने सुनता है लेकिन उसे ध्यान ही नहीं कि कितने गाने चले गए, क्योंकि दिमाग में बकबक शुरू हो गई और दिमाग ने ऐसी साउंड मिक्सिंग की कि गाने का कुछ भी सुनाई ही नहीं दिया। पता ही नहीं कि शुरुआत की दो लाइनों के बाद गायक ने क्या गाया। अगर गाना सुनते हुए साथ में गाएंगे, गाने की धुन और बोल के मुताबिक नाचेंगे तो ज़्यादा आसान होगा ध्यान देना। पूरे दिन मल्टीटास्किंग चलती रहती है और दिमाग के भटकते रहने का अभ्यास होता रहता है। फिर उन्हें लगता है कि पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लग रहा। अरे दोस्त, पूरे दिन जब अभ्यास किया भटकने का, तो अब अचानक से दिमाग ध्यान देने वाला कैसे बन जाएगा। ध्यान देने की आदत तभी डाल पाएंगे जब सचेत रहेंगे, यानी अलर्ट रहेंगे। ऐसा काम कीजिए जो ज़्यादा ध्यान लगाना मांगते हो, जैसे उपन्यास पढ़ना या चेस खेलना। देखिए, शुरुआत में आपके बकबक वाले भटकते दिमाग को ऐसा काम करना बहुत मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे तो दिमाग शांत होगा और ध्यान लगाना सीखेगा। लेकिन सचेत रहना और ध्यान देना कैसे याद रहेगा? खुद की कोई मेमोरी ट्रिक लगा लीजिए, जैसे कि अपनी उंगली के नाखून पर एक छोटा सा डॉट लगा लो और जब जब यह आपको दिखता रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आपको सचेत रहना है। या फिर अपने मोबाइल फ़ोन के पीछे, या फिर अपने ऑफिस के वर्क डेस्क पर, या अपने घर पर बेडरूम में पोस्टर पर लगा सकते हैं कि अलर्ट रहो, ध्यान लगाओ, दिमाग को भटकने नहीं देना है। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका दिमाग अपने आप काबू में आ जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मेडिटेशन करना, और मेडिटेशन भी कैसे करना है कि आपको सिर्फ एक टॉपिक को लेके या एक बिंदु को लेके सिर्फ उसी पर 10 मिनट अपना ध्यान लगाना है। और ये जैसे जैसे अभ्यास आप करेंगे, शुरू में अगर आप इसको 15 दिन करेंगे, धीरे धीरे आपका दिमाग ध्यान लगाना सीखेगा तो आप मन की बकबक से दूर रह पाएंगे और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। देखिए, आप जो भी जीवन में करते हैं, जो भी पाते हैं, वो अपने दिमाग के बलबूते पर ही करते हैं और इसका सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक फालतू का टाइम है जो आपके दिमाग को फालतू में दौड़ाता है। इसलिए आप जब भी सोचो तो आपकी सोच में एक दिशा हो, इससे आपको आसानी होगी अपने लक्ष्य तक पहुँचने में। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। देखिए, हमारा लक्ष्य आपको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है और इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू।